स्टार्ट विद टाइमलाइन ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल जो है ये आज हम देखते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि सेल ऐसा होता है, इट हैज न्यूक्लियस इनसाइड इट, इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड इट, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। सो ये आज हमें पता है, पर इसके पीछे जो हिस्ट्री है, जो टाइमलाइन है, ये सब चीजें अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग ईयर में डिस्कवर हुई है। तो इसी टाइमलाइन को हम देखेंगे, किसने सेल डिस्कवर किया, किसने फर्स्ट सेल देखा, किसने लिविंग सेल देखा, किन साइंटिस्ट ने लिविंग सेल के बजाय नॉन लिविंग सेल देखा था, ये सब हम अभी देखने लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा जो चैप्टर है, हमने डेफिनेशन भी देखी है प्रीवियस वीडियो में। सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसी के लिए देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन, किन किन साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है, दैट इज रॉबर्ट हुक, फर्स्ट नेम है रॉबर्ट हुक इनका। इन्होंने क्या किया था, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क जो रहता है, यानी जो पेड़ रहता है, पेड़ का जो हम देखते हैं जो आउटर लेयर रहता है वो ड्राइड रहता है, डेड लेयर रहता है, वो डेड लेयर को, ये जो प्लांट था वेस्कस, ये प्लांट के जो आउटर लेयर है, डेड लेयर है जिसे कहा जाता है कॉर्क, वो कॉर्क में से सेल लिए, कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उन्हें क्या दिखा उसमें, उन्हें स्ट्रक्चर दिखे हनीकॉम लाइक, और वो जो है कॉर्क जो रहता है, दैट इज डेड, ये जो आउटर लेयर रहती है प्लांट की, ये डेड रहती है। तो इन्होंने, ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहले वेस्कस प्लांट में कॉर्क जो है, आउटर लेयर जो है प्लांट का, वो सेल्स आइडेंटिफाई किए थे, बट ये सेल्स डेड सेल थे। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि डेड सेल पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, तो इट गोज टू रॉबर्ट हुक। 1655 में इन्होंने वेस्कस प्लांट में जो कॉर्क होता है आउटर लेयर, उसका सेल आइडेंटिफाई किया था अंडर माइक्रोस्कोप, राइट। देन सेकंड नेम इज एंटोन वैन लीवेनहॉक, इन्होंने 1674, कुछ सालों बाद रॉबर्ट हुक के डिस्कवरी के बाद, कुछ सालों बाद इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व किए, स्पायरोगायरा, और साथ ही साथ इन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। देन थर्ड नेम इज ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, जो सेल की गवर्निंग बॉडी है, सेल के सेंटर में हमें पता है देयर इज अ न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। नेक्स्ट देयर इज नेम ऑफ टू साइंटिस्ट, शिल्डेन एंड शॉन, इन्होंने सेल डॉक्ट्राइन हम कहेंगे या फिर सेल थियोरी दी थी कि कोई भी सेल के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर वो पॉइंट्स जस्टिफाई होते हैं तो हम उसे परफेक्ट सेल कहते हैं, पर ये डॉक्ट्राइन को, ये सेल थियोरी को डिनाई किया गया आफ्टर एडिशन ऑफ अ पॉइंट बाय रुडोल्फ वर्काउ। रुडोल्फ वर्काउ इन्होंने सेल थियोरी को रीडिफाइन किया था, जिसे कहा गया मॉडर्न सेल थियोरी। जो सेल थियोरी थी वो 1838 में बनाई थी सबसे पहले शिल्डेन एंड शॉन ने, पर उसके बाद शिल्डेन, शॉन और रुडोल्फ वर्काउ, इन तीनों ने मिलकर एक अपडेटेड थियोरी बनाई, जिसे कहा गया मॉडर्न सेल थियोरी इन 1858। अब इसे मॉडर्न सेल थियोरी कहा गया, तो इसके पॉइंट्स क्या थे सेल थियोरी के। सो पहला पॉइंट था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज के बने होंगे, तो सेल के बने होंगे, या फिर अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होगा, या और अगर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये पहला पॉइंट था। सेकंड था, ऑल द फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स, इट मींस जो पूरे फंक्शंस कैरी आउट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो इंडिविजुअल फंक्शन होता है सेल का, सेल कलेक्टिवली मिलकर एक पूरा फंक्शन ऑर्गन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, ये सेकंड पॉइंट। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसकी वजह से सेल थियोरी को रिडिफाइन किया गया, जिसमें नया पॉइंट ऐड किया गया, वो ये था, जिसकी वजह से मॉडर्न सेल थियोरी बनी, वो ये था कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली डायरेक्टली ऐसा एटमॉस्फेयर में नहीं बन सकता, किसी भी सेल को अगर बनना है तो वो बनेगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से थ्रू रिप्रोडक्शन।
it may be asexual or it may be sexual reproduction. Then ये जो all cells arises from pre-existing cells है, इसे हम English में कहते हैं, पर ये जो थे हमारे साइंटिस्ट रुडोल वर्काउ, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसे कहा था ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला. इसका मतलब होता है कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है. देन साइज की अगर बात की जाए सेल के, हम आगे चल के इसके सेल की साइज शेप्स और डिटेल में थोड़ा जाने वाला है. तो सबसे पहले अगर साइज की बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड एज पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा. पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली ये कनेक्टिंग लिंक है वायरसेस और बैक्टीरिया के बीच में. ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनका साइज जो है ये होता है 0.1 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन. अगर हम इसे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में से डालते हैं तो ये वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं. बट दीज आर नॉट वायरसेस, ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं पर ये वायरसेस नहीं है. सो ये है स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा. और ये माइक्रोप्लाज्मा की सबसे एक बात जो है, अगर एग्जाम में आता है तो इन्हें सेल वॉल नहीं होता है. दीज सेल्स आर विदाउट सेल वॉल, ऑल्दो दे आर प्रोकैरियोट्स. हमें पता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आर टू टाइप्स ऑफ सेल. यूकैरियोट्स में जो प्लांट सेल होते हैं उन्हें सेल वॉल होता है, और यूकैरियोट्स में एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होता, और प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में. पर ये माइक्रोप्लाज्मा ऐसा एक सेल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्यूलर, जिसका सेल वॉल नहीं होता, और ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया. एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक नहीं है, पर ये इतना छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, और ये बैक्टीरियल फिल्टर में पेपर में से पास होता है, बट इट इज नॉट वायरस. देन लार्जेस्ट एग हमें सबको पता है ऑस्ट्रिच का एग. ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ. तो अभी ये जो है ये तीन फैक्टर है जो डिफाइन करते हैं साइज ऑफ अ सेल. सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, राइट. तो ये जो रेशो है साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस से, इस पे सेल की साइज डिपेंड होती है. देन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, दिस इज अनदर फैक्टर. एंड थर्ड इज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये तीनों फैक्टर वेरी करते हैं साइज ऑफ सेल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं साइज ऑफ सेल इन्फ्लुएंस करती है ये तीनों फैक्टर के लिए, तीनों फैक्टर की. तो इन सच ए वे दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइन, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल टाइमलाइन दे रखा है, आप नोट्स के तौर पर उसे यूज कर सकते हैं. थैंक यू.